फ्रेंड्स बिल्कुल ही आसान है, थोड़ा सा आप लोगों को जो है वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको भी हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं और लास्ट वाला को भी ऐसे हम मिला देते हैं। ओके, इतना ही काम है, बस काम हमारा हो चुका है। अब थोड़ा सा इसका जो प्लेट है, ये तो हमारा लेआउट हो गया, अब इसी से हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका मार्किंग करके। तो मार्किंग के लिए देखिए, हमने यहाँ पे जो पेपर लिया हुआ है इसमें हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे। तो मार्किंग के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सीधा लाइन जो है हम खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये प्लेट हो गया जिसमें हमारा कटिंग होगा, ठीक है, और इसी प्लेट को हमें रोल करना है। तो एक सीधा मार्क हमने कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं बड़ा वाला डिवाइडर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं 7 नंबर का चेक करता हूँ कि कितना लेंथ है। तो मैं डिवाइडर का एक पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ और मैं 7 नंबर पे रखता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका लेंथ हमें सिर्फ लेना है, तो जितना भी लेंथ है उतना लेंथ का क्या करना है हमें, यहाँ पे जो हमने एक सीधा लाइन जो खींचा हुआ है उस पे आना है, और जो हमने एक पॉइंट लिया है वहाँ पे आना है, और ऐसे रख करके और ऐसे इस तरीके से इसको ऐसे घुमा देना है एक राउंड, ठीक है। तो हमने ये 7 नंबर का जो लाइन है वो हमने घुमा दिया, ओके। तो उसके बाद हम यहाँ पे 6 नंबर वाला चेक करते हैं, 6 नंबर का कितना है। तो ये मैं यहाँ पे रखता हूँ और अब मैं 6 नंबर को मैच करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, हमने 6 नंबर पे इसको मैच कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सेम हम इसी पॉइंट पे आते हैं और यहाँ पे अब हम 6 नंबर का मार्क करते हैं, ओके। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने 6 नंबर का भी मार्क कर दिया है। अब हम आते हैं यहाँ पे 5 नंबर पे। तो यहाँ पे 5 नंबर पे मैंने देख सकते हैं मैच कर दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 नंबर पे मैच किया है। अब यहाँ पे 5 नंबर पे हम ऐसे रख करके और ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने 5 नंबर का भी घुमा दिया, ओके। अब हम 4 नंबर देखते हैं, चेक करते हैं कि 4 नंबर कितना है। तो ये रहा हमारा 4 नंबर, देखिए मैं सेट कर रहा हूँ 4 नंबर पे भी, और ये रहा हमारा 4 नंबर, ओके। तो अब 4 नंबर का मैं मार देता हूँ, 4 नंबर हमारा सेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने डिवाइडर को रखा और ऐसे एक राउंड घुमा दिया 4 नंबर का, ओके। उसके बाद 3 नंबर पे आगे चलते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसको ऐसे ले लिया 3 नंबर पे, आप देख सकते हैं हमने 3 नंबर पे मैच कर दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 नंबर, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे 2 नंबर पे आते हैं। तो ये हमारा 2 नंबर हो गया, ओके। और फिर हम इसको 2 नंबर को ऐसे घुमा देते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारा 2 नंबर का हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे 1 नंबर पे आते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर का हो गया और इसको भी हम ऐसे खींच देते हैं। ओके, तो हमने पूरा जो है कंप्लीट कर दिया है। अब हम नीचे का खींचते हैं, मतलब कि ये वाला, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया 7, अब हम इसका ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं छोटा वाला डिवाइडर यूज़ करता हूँ। तो पहले मैं 7 का ही इसको खींच देता हूँ। तो ये रहा हमारा 7, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा 7 का। तो यहाँ पर मैं 7 वाला मार्क कर देता हूँ, ओके। उसके बाद 6 का, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है 7 और 6 में। तो ये हो गया हमारा 6 का, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे 5 का देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 5 का,
तो यहाँ पे मैं इसको मार देता हूँ 5 का। ओके, उसके बाद यहाँ पे हो गया 4 का, तो यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें 3 का लेना है, तो मैं 3 ले लेता हूँ। ये 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 2 ले लेता हूँ मैं, और ये हमारा 2 का हो गया, और लास्ट में 1 है, ठीक है, तो मैं 1 का ले लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। ओके, 1 में थोड़ा यहाँ पे टच हो गया, लगभग बराबर ही है, ठीक है, तो इतना में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है वो हम चेक करते हैं। देखिए, 7 नंबर लास्ट पॉइंट से लेकर के और यहाँ तक हम चेक करते हैं, यहाँ तक, ठीक है। तो ये आप देखोगे चेक करके, तो ये सारा जो है सेम ही होगा, ठीक है, ये सेम होना भी चाहिए, देखिए ये सारा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे रख के ऐसे मार देंगे, और आपको ये जो सबसे टॉप में जो लाइन है वो 7 नंबर का लाइन आपको पता है, तो आपको क्या करना है, 7 पे यहाँ पे ऐसे पॉइंट रखना है, और आपको 6 वाले पे मार देना है, ठीक है, 6 वाले पे मार दिया हमने। ओके, उसके बाद अभी फिर 6 से फिर 5 पे आना है, डिवाइडर को चेंज नहीं करना है, डिवाइडर उतना पे ही सेट रहेगा, ठीक है। 5 पे आया हम, उसके 5 पे आ गए, उसके बाद यहाँ पे 4 पे, ओके, उसके बाद इसी पॉइंट से हमें आना है 3 पे, ओके, उसके बाद हमें आना है 2 पे, ठीक है, और फिर लास्ट में हमारा 1 नंबर का है, ठीक है। इस तरीके से हमें मार्क करना है। ये हमारा 7 का लाइन हो गया ऊपर का, उसके बाद का 6, उसके बाद का 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ओके, और उसके बाद सेम इधर भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पे हम रखते हैं इसको, और यहाँ पे 6 पे मैंने मार दिया, उसके बाद 6 पे पॉइंट रख के 5 पे मार दिया, उसके बाद 5 पे पॉइंट रख के 4 पे मार दिया, 4 पे पॉइंट रख के 3 पे मार दिया, 3 पे पॉइंट रख के 2 पे मार दिया, और 2 पे पॉइंट रख के 1 पे मार दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा पॉइंट मार लेना, उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, स्केल से ऐसे इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, ठीक है, यहीं तक हमें मिलाना है, इसका ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आसानी से, इसलिए मैं डॉट डॉट कर देता हूँ। उसके बाद सेम इधर भी यहाँ पे एक रखना है पॉइंट, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से यहाँ हमने मिला दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसको हमने डॉट डॉट में रखा है ताकि आप लोगों को समझने में जो है परेशानी ना हो, ओके। उसके बाद सेम इधर भी रखना है, तो यहाँ पे हमने स्केल को रखा, और इस तरीके से यहाँ पे हमने एक पॉइंट को रखा है यहाँ पे, ये देखिए, और दोनों को ऐसे मिला देना है, और उसके बाद इसको ऐसे डॉट डॉट रख देता हूँ, आप लोग देखें तो समझ में आए इजीली, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, ये तो 7 का, सॉरी, ये 1 का पॉइंट हो गया, अब हम 2 पे यहाँ पे पॉइंट पे रखते हैं ऐसा स्केल को टच करके, और हम यहाँ पे 2 में पॉइंट मार लेते हैं। देखिए, ये वाला पॉइंट हमने मिलाया और ये वाला मिलाया, और हम यहाँ पे 2 में एक पॉइंट मार लेते हैं, ओके। उसके बाद फिर हम यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे स्केल को मिलाते हैं, ऐसे मिला दिया हमने ये पॉइंट, ये पॉइंट, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे, ये हमारा 3 का हो गया, ओके, ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड और ये थर्ड, ओके। उसके बाद हम चौथे लाइन पर आएँगे, तो फिर से हम यहाँ पे एक रखेंगे और यहाँ पे इसको मिलाते हैं, और फिर हम यहाँ पे चौथे नंबर पे आते हैं, 1, 2, 3, 4, ओके। उसके बाद यहाँ पे मिलाते हैं फिर से, फिर एक लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे 5 पे मारते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। उसके बाद 6 पे मारना है, तो यहाँ पे एक रखा, एक यहाँ पे, और फिर ये हमारा 6 का हो गया, और ऊपर का 7 का है, ओके। उसके बाद सेम प्रोसेस इधर भी करना है, तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं, 7 से, सॉरी 6 से, 7 तो ऊपर का है, तो यहाँ पे भी ऊपर का 7 ही है, तो सेकंड कर लेंगे, मतलब 6 का, ओके, ठीक है। उसके बाद 5 पे आते हैं, तो ये 5 पे हमने मिलाया,
और नीचे का भी हमने मिलाया, और यहाँ पे मैं 5 पे मार देता हूँ। तो ये हो गया हमारा 5 का। ओके, उसके बाद 4 पे आते हैं, तो ये 4 का हो गया ऊपर, और ये नीचे भी हमने मिला दिया, और 4 पे मैं मार देता हूँ, तो ये हो गया 7, 6, 5, 4, ये चौथा नंबर हो गया। अभी हम तीसरा नंबर पे मारते हैं, तो ये हमने यहाँ पे एक मिलाया पॉइंट, एक यहाँ पे, और मैं ये 3 पे मार दिया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 2 पे, तो ये हो गया हमारा 2 पे, और ये लास्ट का हमारा 1 का हो गया। ठीक है, तो हमारा मार्किंग यहीं पे हो गया ओवर। अब हम इसका कटिंग करेंगे, उसके पहले इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इसका जब आप मिलाओगे तो जो पट्टी आता है उस पट्टी से आप इसको मिलाइएगा तो अच्छा आएगा। मैं फ़िलहाल इसको हाथ से ही थोड़ा राउंड कर देता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं नीचे का हमने पूरा मिला दिया। अब सेम हमें ऊपर का भी ऐसे ही मिलाना है। ये थोड़ा लाइन जो है इधर उधर हो जा रहा है, तो आपको देख लेना है, सही कर देना है। और इसको मैं अब कटिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्लेट है वो पूरा कटिंग हो चुका है। चलिए इसको हम यहाँ पे अब देखते हैं राउंड करके बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये देखिए, ओके, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा रेड्यूसर है वो बन के जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये रेड्यूसर। ये देखिए, एक साइड ये बिल्कुल फ्लैट है और एक साइड ये देखिए झुका हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों को रेड्यूसर बनाना है। आइए चेक भी करके देख लेते हैं कि जितना हमने इसका डाया रखा था वो है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं 100 से रखता हूँ, तो ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ये जो है एग्जैक्ट 40 mm आया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, और इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये भी देखिए 80 mm, लगभग 80 mm, 82 mm दिख रहा है। पेपर है, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। ठीक है, लगभग ये 80 mm आ रहा है। ठीक है, इधर भी देखिए 80 mm है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक प्लेट से रिड्यूसर बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके का अगर आप और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले। और फ्रेंड्स, अभी तक हमने बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं किसी और भी टॉपिक्स पे वीडियो देखना, जैसे पाइप फिटर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर फिटर से रिलेटेड, तो हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे बहुत सारा वीडियो आप देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।